फैक्टर्स डेट शिफ्ट द एगरीगे डिमैंड कर लास्ट मार्ड्यूल में हमने एग्रीट डिमेंड कराफिकली डिराइव किया था तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जो एग्रीगेट डिमैंड को शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द डिमैंड एग्रीगेट डिमांड ओके सो एनी अदर फैक्टर अदर दैन प्राइस अगर प्राइस में कोई चेंज आती है तो वी विल मूव अलॉन्ग द एग्रीगेट डिमांड कर बट इफ़ एनी अदर फैक्टर चेंजेस जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आती है कीपिंग द प्राइस लेवल कॉन्स्टेंट सो दिस विल शिफ्ट द एग्रीट डिमांड कर सो टुडे वी विल लुक एट दोज फैक्टर्स सो एग्रीट डिमांड कर्व हमने कैसे ड्राइव किया था बाई द इंटरसेक्शन ऑफ द Is and LM curves. Okay, so any factor that causes the intersection of the is LM curve to shift to the left. Okay, let me draw this again. Suppose this is R and on this axis Y, this is is curve LM curve. Okay, so from this we got this point and this price level, and say this is the Y and price level and

एग्रीगेट डिमांड कर्व को भी राइट वर्ड शिफ्ट कर देगी तो ये सिंपल सी बात है आपने इसको समझना है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का पॉइंट कहाँ से डिटरमिन होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द आई एस एंड एल एम कर वो इंटरसेक्शन पॉइंट जब चेंज होगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर वो चेंज अदर देन प्राइस है अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रही है फिर तो आप मूव करेंगे अलॉन्ग द एग्रीगेट डिमांड कर्व लेकिन अगर प्राइस के अलावा किसी और वजह से वो इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो रहा है तो फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, ओके okay? तो वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे चेंज होगा जाहिर है ये आई एस एल एम कर्व के इंटरसेक्शन से बन रहा है तो अगर आई एस कर्व शिफ्ट होता है या एल एम शिफ्ट होता है तो उससे ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा सो so, हम पढ़ चुके हैं कि आई एस कर्व शिफ्ट होने की बेशुमार वजूहत हम डिस्कस कर चुके हैं हम इन सब कर्स को अलग डिटेल में समझ चुके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि इफ़ देर इज द टेम्प्रेरी इंक्रीज़ इन द गवर्नमेंट परचेजेस आई एस कर्व किस को रिप्रजेंट करता है गुड्स मार्केट को गुड्स मार्केट की डिमांड और जो उसकी सप्लाई है उसकी इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है आई एस कर्व तो डिमांड के आप जानते हैं तीन कंपोनेंट होते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से आई एस कर्व अपवर्ड डिमांड टोटल डिमांड बढ़ जाएगी ना सो आई एस कर विल शिफ्ट अपवर्ड और आई एस कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एल एम के साथ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सो so, इससे इस हम डायग्राम से प्रॉपर हम इस बात को दोबारा देख लेते हैं कि ये आपके पास आई एस इनिशियल आपका आई एस कर्व था आई एस वन और ये एल एम कर्व था और ये इंटरसेक्शन पॉइंट और इससे आपके पास इस एग्रीगेट डिमांड कर्व पर ये वाला ई e, पॉइंट e आ गया सो आई एस कर्फ अपवर शिफ्ट हो गया क्योंकि मैंने बताया कि गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज़ होने से क्या हो जाएगी टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनक्रीज़ हो जाएगी राइट सो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया अब इंटरसेक्शन पॉइंट एफ हो गया और उसी यानी प्राइस लेवल प्राइस लेवल नहीं चेंज हुआ ठीक है ये बार बार मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर प्राइस लेवल के चेंज होने से इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज होता है तो वो फिर आपकी मूवमेंट होगी अलॉन्ग द एग्रीगेट डिमांड कर्व लेकिन अगर प्राइस के अलावा किसी और वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज होता है तो दिस विल का आधा शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर सो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग अब उसी प्राइस लेवल पर अब एग्रीगेट डिमांड वाई वन की बजाय वाई टू है तो ये ओबियसली ये कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा तो ताकि वो वाई टू डिमांड इस पर हम शो कर सकें इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं सो फैक्टर दिफ्ट शिफ्ट आई एस अप एंड टू द राइट एंड दस एग्रीगेट डिमांड कर अप एंड टू द राइट यानी आई एस करव राइट वर्ड शिफ्ट करेगा इंटरसेक्शन पॉइंट राइट वर्ड शिफ्ट करेगा एंड एग्रीगेट डिमांड कर विल शिफ्ट टू द राइट सो आई एस करव के राइट वर्ड शिफ्ट करने की क्या वजह क्या रीजन हो सकती हैं मसल एंड इन इनक्रीज इन फ्यूचर आउटपुट हम ये सारी चीज़ें एक्चुअली अलग अलग बहुत डिटेल के साथ हम इनको समझ चुके हैं इन पर बात कर चुके हैं तो अगर आप उनको जरा रिफ्रेश कर लेंगे तो ये बातें आपको समझना आसान हो जाएंगी फ्यूचर आउटपुट के इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है ठीक है जब फ्यूचर लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर आउटपुट जो है वो बढ़ रहे बढ़ जाएगी फ्यूचर में उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे तो अपनी करंट कंजम्पशन को इनक्रीज़ कर दें कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी वेल्थ वेल्थ किसी की लॉटरी निकल आई किसी को इनहेरिट टेंस में कुछ मिल गया या किसी और तरह से किसी को वेल्थ मिल गई है तो उसके नतीजे में भी वो अपनी उसी इनकम पर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आई एस कर शिफ्ट कर देगा गवर्नमेंट परचेजेस पर हम बात कर चुके हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ़ कैपिटल इसके नतीजे में क्या होगा इसके नतीजे में आपकी डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी जब फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी ठीक है तो उसके नतीजे में आपकी डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी और उससे भी आई एस आपका राइट right वर्ड क्योंकि आई एस आपके आपकी डिज़ायर्ड सेविंग और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ठीक है और इसी तरह से आपकी डिज़ायर्ड सेविंग और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी से ये डिटर्मन बनता है सो डिक्रीज इन टैक्सेस अगर टैक्सेस में कमी आएगी तो इसके नतीजे में क्या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी और कंजम्पशन के बढ़ने से अब आप, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आई एस को शिफ्ट हो जाएगा लेकिन ऑब्वियसली हम इस पर बात कर चुके हैं रिकॉर्डिंग इक्वेलेंस की कि रिकॉर्डिंग इक्वेलेंस अगर होल्ड करेगी तो फिर टैक्सेस में जो चेंजेस हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे आर द इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन कैपिटल इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन कैपिटल अगर कम हो जाएगा तो ये किसको इफेक्ट करेगा ये जो इन्वेस्टमेंट वाला कॉम्पोनेंट है उसको इफेक्ट करेगा और उस उसके थ्रू आई एस कर्व को शिफ्ट करेगा ओके okay. सेकेंड क्या है यानी डिमांड कहाँ से डिटर्मन हो रही है बाई द इंटरसेक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम कर सो अब हम एल एम की बात करते हैं कि एल एम कर के शिफ्ट होने से कैसे आपके एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट होगा सो so, दोबारा मैं आपको यानी ये आई एस कर्व था ये एल एम कर्व था ये आपके पास डिमांड डिटर्मन होगी तो एल एम अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो दिस विल दिस विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड दिस विल शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर राइट सो कौन सी वजूहत हैं जो एल एम को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे इंक्रीज इन द नामिनल मनी सप्लाई नामिनल एल एम करव क्या था इकलीब्रियम ऑफ द मनी मार्केट राइट सो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है इक्वालिटी ऑफ द मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई सो मनी सप्लाई नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से एल एम करव राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है एक्सपेक्टेड लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने जा रहा है तो फिर लोग मनी से शिफ्ट हो जाते हैं नॉन मनिटी एसेट्स पर मनी डिमांड को कम कर देते हैं डिक्रीज इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन मनी इंटरेस्ट रेट डिफरेंट टाइप्स के हमने डिस्कस किए थे मनी पर इंटरेस्ट रेट और नॉन मनीटी एसेट्स पर इंटरेस्ट रेट तो मनी पर जो आपके मनी डिपॉजिट्स हैं उन पर इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये भी फिर मनी डिमांड को कमी का सबब बनेगा और रियल डिमांड फॉर मनी सो ये वो फैक्टर्स हैं जो एल एम को शिफ्ट करते हैं राइट right वर्ड और उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज हो जाता है ओके सो आज हमने क्या समझा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट करने का सबब बनते हैं थैंक यू वेरी मच